हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग ठीक होंगे। पढ़ाई सही चल रही होगी। पेपर 16, 8 अगस्त शिफ्ट 3rd, 2017 का पेपर है, CGL टीयर 1 का। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। 76 और 77 क्वेश्चन एरर डिटेक्शन के। इफ़ यू हैड टोल्ड मी अर्लियर आई विल हेल्प यू, तो आई विल हैड के साथ विल का तो कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं है। पास्ट और प्रेजेंट, पास्ट और सॉरी फ्यूचर। तो यहाँ पर थर्ड में एरर है। यहाँ पर आई विल हेल्प यू का मतलब की जगह पे क्या होता है, आई वुड हैव हेल्प्ड यू, HELPED, हेल्प्ड यू। आई वुड हैव हेल्प्ड यू होता कि अगर तुम मुझे पहले बता देते तो मैं तुम्हारी मदद करता। फिर है हर मदर इज़ एंग्री एंड इंडिफरेंट टू मी। तो आपको बताना है इसका मतलब यहाँ पर क्या एरर है। तो एरर देखिए एंग्री प्रिपोजिशन से रिलेटेड एरर है कि एंग्री विद होता है, एंग्री के बाद विद आएगा एंड इंडिफरेंट टू तो सही है, तो इंडिफरेंट के साथ टू आएगा, एंग्री के साथ प्रीपोजिशन विद आएगा। सेकंड में एरर है। फिर है डोंट लॉयटर डैश दी कॉरिडोर। तो आपको बताना है लॉयटर का मतलब होता है मटर गश्ती करना, विदाउट एनी रीजन घूमना, फिर मतलब इधर उधर घूमना, तो लॉयटर कहलाता है। तो लॉयटर के साथ अराउंड प्रीपोजिशन इस्तेमाल होता है, लॉयटर अराउंड, मूव अराउंड, ठीक है। फिर है आई विल स्कोल्ड हिम व्हेन। तो ये सिंपली वो रूल है कि अगर दो चीज़ें फ्यूचर में हो रही हैं तो हम जो चीज़, एक चीज़ को हम क्या करेंगे, सिंपल फ्यूचर में डालेंगे और एक चीज़ को हम सिंपल प्रेजेंट में डालेंगे, ठीक है। व्हेन ही विल कम, व्हेन ही कम्स आई विल मीट यू। तो एक क्या होगा सिंपल प्रेजेंट में, एक होता है सिंपल फ्यूचर में। तो सिंपल फ्यूचर में आ गया तो फिर ये ऑप्शन कट जाता है। सिंपली जो है सिंपल प्रेजेंट में ही कम्स ही है। आई विल स्कोल्ड हिम व्हेन ही कम्स, मैं उसे डांटूंगा जब वो आएगा। फिर है सिनोनिम्स। सिनोनिम्स में है मेलिफ्लस। मेलिफ्लस का मतलब क्या होता है आपसे पूछा जा रहा है। तो मेलिफ्लस का मतलब होता है कोई चीज़ स्वीट साउंडिंग हो, मधुर हो सुनने में। तो मधुर हो सुनने में, इमोरल तो अनैतिक, फ्रैंक का मतलब जो बहुत ही दोस्ताना टाइप हो, साफ साफ बात करता हो। शिवर का मतलब कपकपाना। डल सेट ही इसका मीनिंग होता है। डल सेट का मतलब भी स्वीट साउंडिंग, मेलोडियस से ही आता है। फिर आपका सिनोनिम दूसरा है डॉज। डॉज करना किसी चीज़ से, किसी चीज़ को अवॉइड करना, डॉज करना, इल्यूड करना, इवेड करना, भागना किसी चीज़ से। तो चैओटिक का मतलब क्या होता है, चैओटिक मतलब केओटिक, चैओटिक कह रहा हूँ, केओटिक। केओटिक का मतलब होता है कोई चीज़ में शोर शराबा बहुत है, डिसऑर्डर बहुत है, तो केओटिक, केओस। ऑर्डर का मतलब तो अलग चीज़ हो गई, ऑर्डर केओटिक का उल्टा, सॉफ्टन अलग चीज़ है ना, किसी चीज़ को नरम कर देना। फिर है एंटोनिम्स में मेरिट्रीशियस। मेरिट्रीशियस का मतलब होता है अगर कोई चीज़ फ्लैशी हो, प्रिटेंशियस मतलब बहुत शोई टाइप की हो, या बिल्कुल ब्रेजन, इसके लिए एक वर्ड है, गॉडी इसके लिए एक टर्म है। तो ये जो है सिनोनिम्स हैं, ब्रेजन, गॉडी। एग्जेम्पलरी का मतलब है कोई चीज़ परफेक्ट है, आइडियल है, आउटस्टैंडिंग है, तो उसको एग्जेम्पलरी कहते हैं। तो कोई चीज़ शोई है, फ्लैशी है, प्रिटेंशियस है, तो उसकी अपोजिट है कोई चीज़ नेचुरल है। जैसे आप खादी टाइप का कपड़ा या कॉटन, क्या है, एक नेचुरल क्लोथ है, उसकी जगह पे बहुत से आप देखते हैं कि आर्टिफिशियल फाइबर आते हैं, शोई टाइप के चमक दमक वाले कपड़े, तो प्रिटेंशियस क्लोथिंग कहलाएगी। उसी कंपैरिजन में जो नेचुरल सादा चीज़ है वो क्या है, नेचर को हम चीज़ सादा मानते हैं, सादगी, नेचुरल है कोई चीज़। फिर है नेबुलस। नेबुलस का मतलब होता है कोई चीज़ अगर इनडेफिनेट है, कोई डिफाइन नहीं कर सकते उसको, ये नॉर्मल सी, अजीब सी, तो नॉर्मल सी है, अजीब सी नहीं, नॉर्मल सी है, तो उसको क्या कहते हैं, नेबुलस कहते हैं। इनडेफिनेट इसके लिए मीनिंग सिनोनिम आता है, तो इनडेफिनेट का उल्टा डेफिनेट होता है, तो इसलिए जो है एंटोनिम क्या हो जाएगा नेबुलस का,
डेफिनेट हो जाएगा, क्योंकि नेबुलस का मतलब क्या होता है अपने आप में, इनडेफिनेट से होता है। तो फिर है आपका इसके अलावा डिसमल या सलन। तो डिसमल या सलन का मतलब कोई चीज़ डिम है, डार्क है, डल है, ग्लूमी है, तो उसको क्या कहते हैं, डिसमल या सलन कहते हैं। इनकोएट का मतलब होता है कोई चीज़ कन्फ्यूज्ड है, इनकोहरेंट है, कोहरेंस नहीं है उसके अंदर, साफ साफ स्पष्ट नहीं है, इनकम्प्लीट है, तो वो क्या कहलाती है, इनकोएट कहलाती है। फिर है इडियम्स फ्रेजेस, स्पिक एंड स्पैन। स्पिक एंड स्पैन का मतलब होता है नीट एंड क्लीन। मैंने इसका मतलब ओरिजिन पढ़ने की कोशिश की थी, तो उसमें यही आया था कि किसी टाइम में ओल्ड इंग्लिश में शायद स्पिक और स्पैन सिंबलाइज करते थे, जो चिन्ह थे मतलब सफाई के, और कोई चीज़ ऑर्डर में है, तो स्पिक एंड स्पैन जो है मुहावरा ही बन गया फिर नीट एंड क्लीन के लिए। फिर है टू ड्रॉ द लॉन्ग बो। टू ड्रॉ द लॉन्ग बो का मतलब होता है गप मारना, बड़ी बड़ी गप मारना, एग्जैगरेट करना चीज़ों को, लंबा छोड़ना जिसे कहते हैं, बहुत लंबी छोड़ते हो, तो वही है मतलब यहाँ पर। टू नलीफाई का मतलब टू कैंसिल, टू डिमार्केट का मतलब कोई निशानी लगा देना, टू अंडर रेट का मतलब किसी चीज़ की वैल्यू को कम करके आंकना। फिर है क्वेश्चन नंबर 86, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन है। बाय रेस्क्यूइंग द चाइल्ड फ्रॉम फायर द लोकल रेजिडेंट एडेड अनदर फीदर टू हिज कैप। तो इसमें बताना है कि आपको क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर बुक्स में ये लिखा हुआ है, फर्स्ट इसका आंसर होगा कि मेड अ सिग्निफिकेंट अचीवमेंट। अब अगर देखा जाए तो एक तरह से मीनिंग निकाला जा रहा है इसका, एडेड अनदर फीदर टू हिज कैप। जो सही मायनों में मुहावरा है वो है एडेड अनदर फीदर इन हिज कैप। इन हिज कैप आएगा, टू हिज कैप ना के इन हिज कैप आना चाहिए, कहीं कहीं पर टू हिज कैप भी मान लेते हैं। तो अगर टू हिज कैप मानते हैं तो फिर मुझे लगता है समझ में नहीं आता है कि यहाँ पर एरर किस हिसाब से आएगी, लेकिन अगर इन हिज कैप मिलता है, जो मुहावरा मिलता है, तो उस वजह से उसको रिप्लेस करने के लिए तब समझ में आता है कि इसका आंसर जो है फर्स्ट होना चाहिए, कि मेड अ सिग्निफिकेंट अचीवमेंट, के फायर से बचा के लोकल रेजिडेंट ने एक बड़ा अचीवमेंट, एक सिग्निफिकेंट अचीवमेंट किया, एक बड़ा काम किया, उपलब्धि हासिल की। तो बुक में जो है किरण में भी और बुक में एमबी पब्लिकेशन में भी फर्स्ट ही को आंसर दिया गया है, और शायद एसएससी ने भी फर्स्ट ही को आंसर माना है, इस वजह से उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अदरवाइज शायद एडेड अनदर टू फीदर टू हिज कैप नो इम्प्रूवमेंट भी हो सकता था। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें एसएससी की ज़्यादा मानी जाएगी, तो एसएससी ने माना है फर्स्ट को आंसर, तो फर्स्ट ही को मान लिया जाए। फिर है द गवर्नमेंट प्लान्स टू टेक अप द कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट सून। तो यहाँ पर अगेन फेजल वर्ब का क्वेश्चन आ गया कि आपको बताना है कि क्या होना चाहिए। तो देखिए टेक अप का मतलब क्या होता है, टेक अप का मतलब होता है किसी चीज़ में इन्वॉल्व होना। तो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में गवर्नमेंट प्लान कर रही है इन्वॉल्व होने में, यानी कि काम करेगी, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट स्टार्ट करेगी, तो नो इम्प्रूवमेंट सही है, क्योंकि टेक ऑन का मतलब होता है किसी चीज़ को डील करना, मतलब किसी चीज़ का सामना करना, यू टेक ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो बिल्ड कॉन्ट्रैक्टर टेक ऑन करेगा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को, लेकिन गवर्नमेंट क्या करेगी, टेक अप करेगी, यानी कि उसमें इन्वॉल्व होगी, उसको सुनिश्चित करेगी कि वो काम हो। टेक ऑफ तो सिंपली एरोप्लेन का टेक ऑफ, तो वो नहीं। टेक इन का मतलब किसी चीज़ को अच्छे से समझ लेने को क्या कहते हैं, टेक इन, तो वो भी नहीं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, अ मैन डिवॉइड ऑफ काइंड फीलिंग एंड सिंपैथी। एक इंसान जो कि काइंड फीलिंग और सिंपैथी जिसके अंदर ना हो, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कैलस। क्योंकि क्रेडुलस और गलिबल ऐसा इंसान जो नाइव है, जिसको बहुत आसानी से बहकाया जा सकता है, धोखा दिया जा सकता है। बोहीमियन एक ऐसा इंसान जो अनकन्वेंशनल है, जो समाज के नॉर्मल रीति रिवाजों को और रूल्स को नहीं मानता, वो उससे अलग चलता है, उससे अलग रहता है, खाना पीना करता है, उसको बोहीमियन कहते हैं। तो बोहीमियन भी आंसर नहीं है, क्रेडुलस भी आंसर नहीं है, गलेबल भी आंसर नहीं है। फिर है वन हु ईट्स टू मच, जो बहुत ज़्यादा खाता है, भुक्कड़ इंसान को क्या कहते हैं, ग्लटन कहते हैं। क्योंकि इम्पोस्टर है कोई धोखेबाज इंसान, स्विंडलर, चीट। हाइपोकॉन्ड्रियाक है एक इंसान जो अपनी हेल्थ के बारे में बहुत ही ज़्यादा एबनॉर्मली एंक्शियस रहे, कि मुझे मेरा बीपी तो नहीं बढ़ रहा है, मेरी हार्ट बीट तो नहीं बढ़ रही है, ये है वो है।
इंटी स्टेट है अगर कोई इंसान, या मतलब उस चीज़ को कहा जाता है इंटी स्टेट जो बगैर वसीयत करे, बगैर विल कोई किए मर जाए आदमी, तो इंटी स्टेट है वो सिचुएशन। फिर है आपको स्पेलिंग बतानी थी क्या है, इनकरेक्टली स्पेल्ड बताना है आपको, एक ही इनमें से इनकरेक्टली स्पेल्ड है। तो आप देखिए फॉरफिट, गोरिल्ला, गोरिल्ला की स्पेलिंग तो मुझे बिल्कुल सही लग रही है, आप भी देख सकते हैं। इसके अलावा ब्लिसफुल, करप्ट की स्पेलिंग सही है, तो इसमें ब्लिसफुल में डबल एल नहीं होगा, सिंगल एल होगा, ब्लिसफुल। फॉरफिट की स्पेलिंग भी सही थी अपने आप में, फॉरफिट मतलब किसी चीज़ का जो है छोड़ देना या सरेंडर कर देना, ख़ासतौर पे जब पेनल्टी लगे आपको किसी गलत काम की। तो एफॉरेस्टेशन फिर है 91, एफॉरेस्टेशन, ट्रांसलूसेंट, फॉरेनर, अचीवमेंट, तो अचीवमेंट की स्पेलिंग सही है, फॉरेनर की भी स्पेलिंग सही है। एफॉरेस्टेशन यानी कि दोबारा से जंगलों को बसाना, पेड़ लगाना, एफॉरेस्टेशन। ट्रांसलूसेंट की स्पेलिंग गलत है क्योंकि ट्रांसलूसेंट में एस नहीं आएगा, सी आएगा, तो ट्रांसलूसेंट, ट्रांसलूसेंट का मतलब होता है सेमी ट्रांसपेरेंट चीज़, जो कि पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट भी नहीं होती और ओपेक भी नहीं होती, ऐसी भी नहीं होती जिससे आर पार आप देख सकें, और ऐसी भी नहीं होती। साइंस के जो इंग्लिश पढ़ते हैं उन्हें तो समझ में आ गया होगा ट्रांसलूसेंट का मतलब, हिंदी में आप देख लीजिएगा कि ट्रांसपेरेंट को क्या कहते हैं, ओपेक को आपके यहाँ क्या कहते हैं, और जो बीच का होता है उसको क्या कहते हैं, तो वो ट्रांसलूसेंट होता है। फिर है पैराजम्बल्स, किसी ने कहा था सर थोड़ा फॉन्ट साइज़ छोटा करिए, तो मैंने फॉन्ट साइज़ थोड़ा छोटा कर दिया है। अब देखिए कि आपको समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन देखिए इतने बड़े पैसेजेस हैं कि इसमें भी एक बार में पूरा नहीं आ रहा है, तो थोड़ा सा मैनेज करिए। द एम मस्ट बी टू इंश्योर दैट अवर कंट्री डज नॉट एक्सपीरियंस आइदर, ठीक है, वेन वी, ठीक है, ये पूरा पढ़िए आप। अब इसमें पहले तो मुझे ये बताइए देख के इन चारों सेंटेंसेस को, कि इसमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो आपको लग रहा है कि स्टार्टिंग नहीं होगी जिससे, तो आर से नहीं होगी, लेकिन ऑप्शन में तो कोई आर से स्टार्टिंग है ही नहीं, तो हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब देखिए इसमें क्या है, स्टार्टिंग किस किस से हो रही है, एस से हो रही है, क्यू से हो रही है, पी से हो रही है, ऑप्शंस में आप इसको देखिएगा तो थोड़ा सा पाएंगे आप एक चीज़, कि आप क्यू को पढ़िए तो क्यू में बात क्या हो रही है, व्हेन वी सेट अबाउट द टास्क ऑफ हायर एजुकेशन वी शुड बी एब्सोल्युटली क्लियर क्लियर इन आवर परसेप्शन ऑफ द गोल्स ऑफ एजुकेशन इन द स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट ऑफ अवर नेशंस डेवलपमेंट, तो गोल की बात हो रही है, और आर में जो है एम्स की बात हो रही है, तो गोल्स और एम्स साथ साथ आने चाहिए, गोल की बात हो रही है, एम की बात हो रही है, कि परसेप्शन ऑफ द गोल्स ऑफ एजुकेशन इन द स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट ऑफ अवर नेशंस डेवलपमेंट। और क्या है, नो डाउट वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एम्स ऑफ एजुकेशन वुड बी टू क्रिएट द रिक्वायर्ड रेंज, एंड एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एम्स क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए, ठीक है, क्यू आर, एक तो क्यू आर साथ आना चाहिए, तो क्यू आर साथ आना चाहिए, तो क्यू आर तो एक ही में साथ आ रहा है, बाकी में देखिए क्यू के बाद में बीच में पी आ जा रहा है, यहाँ आर क्यू, चलिए उस हिसाब से भी देखें तो ये ऑप्शन कट रहा है, बाकी तीन बच रहे हैं किसी तरीके से। फिर और कोई हिंट अगर आपको मिलती है तो देखिए, द इंटायर एजुकेशनल अपैरेटस मस्ट बी गेयर प्रोग्रेसिवली टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स, इंटायर एजुकेशनल अपैरेटस को कैसे क्या करना चाहिए कि वो फुलफिल करे रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट फेजेस ऑफ अवर ग्रोथ इन एवरी सेक्टर, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, ठीक है, एस। और क्या इंश्योर करने, द एम मस्ट बी टू इंश्योर दैट अवर कंट्री डज नॉट एक्सपीरियंस आइदर पॉसिटी, यानी कि कमी भी नहीं होनी चाहिए, और सरफेट भी होना चाहिए यानी कि बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, और ट्रेन मैन पावर इन एनी स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ अवर इकॉनमी, तो एस के बाद पी आता हुआ दिख रहा है, तो एस के बाद पी किस ऑप्शन में है, एक ही ऑप्शन में एस के बाद पी है, तो क्यू आर का एक पेयर बनता हुआ दिख रहा है और एस पी का एक पेयर बनता हुआ दिख रहा है, तो ऑप्शन सेकेंड ही यहाँ पर ऑप्शन ऐसा है जिसमें क्यू आर और एस पी का कॉम्बिनेशन बनता हुआ दिख रहा है। तो स्टार्टिंग का सेंटेंस देख लीजिए, या ये अगर आपको पता चल जाए कि लास्ट का स्टेटमेंट क्या है, या आप ये देखिए कि पेयर कौन कौन से बन सकते हैं, तो उसके ऊपर डिपेंड करके आप जो है सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा मुश्किल था ये क्वेश्चन जो है, मानता हूँ इस बात को। फिर
ब्यूरोक्रेटिक कल्चर्स कैन स्मॉथर दोज हु वांट टू रिस्पॉन्ड टू शिफ्टिंग कंडीशंस। स्मॉथर का मतलब रुकावट डाल सकते हैं, समथिंग ऐसा ही आएगा कुछ। एरोगेंट मैनेजर्स कैन ओवर इवेल्युएट देयर। अच्छा, स्टार्टिंग किससे नहीं हो सकती? आर से नहीं हो सकती, एंड द लैक ऑफ से नहीं होगी, तो आर तो वैसे ही काट दीजिए। अच्छा, फिर क्या बचता है? और किससे नहीं हो सकती? इनवर्डली कैन हैव डिफिकल्टी सीइंग द वेरी फोर्सेज दैट प्रेजेंट थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज। एकदम से ये स्टार्टिंग लग नहीं रहा है एस भी मुझे, तो मैं एस को भी काट सकता हूँ, लेकिन चलिए इसको नहीं भी काटें। अगर हम स्टार्टिंग, आपको क्या लगता है कहाँ से आएगा? तो देखिए, सबसे पहले तो एरोगेंट मैनेजर्स की बात, एरोगेंट मैनेजर्स जो है वो यहाँ से बात मुझे शुरू होती हुई दिख रही है कि एरोगेंट मैनेजर्स कैन ओवर एवेल्यूएट देयर करंट परफॉर्मेंस एंड कॉम्पिटिटिव पोजिशन, लिसन पुअरली एंड लर्न स्लोली। एरोगेंट जो होते हैं मैनेजर्स, वो अपने काम को, परफॉर्मेंस को ओवर एवेल्यूएट करते हैं, सुनते कम है, सीखते बहुत धीरे से हैं, ठीक है। और फिर क्या है, इनवर्डली फोकस एम्प्लॉयज़ कैन हैव डिफिकल्टी सीइंग द वेरी फोर्सेज दैट प्रेजेंट थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़। जो इनवर्डली फोकस यानी कि सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं एम्प्लॉयज़, उनको बड़ी प्रॉब्लम होती है और बहुत मुश्किल से, मतलब वो देख नहीं पाते हैं उन चीज़ों को जो कि थ्रेट्स या अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। इससे लग रहा है फिर कनेक्ट होता हुआ कि एस के बाद फिर क्या आना चाहिए? पी आना चाहिए, कि इसकी वजह से ब्यूरोक्रेटिक कल्चर बनता है। ये जब सब अपने बारे में सोचते हैं तो ब्यूरोक्रेटिक कल्चर से क्या होता है, कैन स्मॉथर दोज हु वांट टू रिस्पॉन्ड टू शिफ्टिंग कंडीशंस। तो यहाँ पर वेरी प्रेजेंट थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ की बात हो रही है, यहाँ पर क्या हो रहा है, रिस्पॉन्ड टू शिफ्टिंग कंडीशंस। तो रिस्पॉन्ड करने चाहते हैं वो भी, मतलब उस कल्चर की वजह से जो है नहीं कर पाते हैं, ब्यूरोक्रेटिक कल्चर की वजह से। एंड द लैक ऑफ लीडरशिप लीव्स नो फोर्स इनसाइड दीज ऑर्गेनाइजेशंस टू ब्रेक आउट ऑफ द मोरास। और जो लैक ऑफ लीडरशिप होती है, मतलब अच्छी लीडरशिप न मिलने की वजह से, कोई ऐसी ताकत नहीं होती जो इस दलदल से निकाल पाए। तो यहाँ पर ऐसा ही दिख रहा है कि क्यू के बाद एस, एस के बाद पी और पी के बाद आर, क्यू एस पी आर ही यहाँ पर दिख रहा है। मेक सेंस, तो इसीलिए जो है यही ऑप्शन है इसका, ठीक है। देखिए एक चीज़ और भी है, मैंने अभी दो किए तो ये दो थोड़ा सा मतलब टिपिकल थे टीयर वन के हिसाब से, मतलब और भी मैंने सेक्शंस में प्रीवियस ईयर किए हैं तो उनमें से ये थोड़े से टफ थे टीयर वन के हिसाब से, वरना टीयर वन में काफ़ी बार आप बहुत क्लियरली देख पाते हैं कि क्या ऑप्शन जो है ज़्यादा सेंसिबल होंगे। इसमें एक चीज़ और भी है कि एस एस से दो में एंडिंग हो रही है और आर आर से एंडिंग हो रही है, तो आप देख सकते हैं कि आर आर से एंडिंग होने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि इनवर्डली फोकस एम्प्लॉयज़ नहीं समझ पाते हैं, जिसकी वजह से जो है ब्यूरोक्रेटिक कल्चर डेवलप होता है। तो एस जो है लास्ट नहीं दिखता है, तो इससे भी आपको काफ़ी हद तक आप एलिमिनेट कर पाते हैं ऑप्शंस को। तो इस तरह के कुछ हिंट्स और भी देख सकते हैं जिनसे आप समझ सकते हैं। फिर है शी टीचेज अस इंग्लिश, तो आपको क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का केस है, तो वी आर टॉट इंग्लिश बाय हर होगा, क्योंकि ये किसका, इज बीइंग का मतलब क्या है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, हैव बीन प्रेजेंट परफेक्ट होता, हैड बीन पास्ट परफेक्ट होता, तो सिंपली जो है वॉइस में एक्टिव से पैसिव में सेकेंड ऑप्शन मेक सेंस। फिर नरेशन, निशा सेड टू सती, विल यू हेल्प मी इन माई प्रोजेक्ट जस्ट नाउ, तो सेट टू पास्ट है, तो नाउ का तो देन बनेगा, नाउ का क्या बनेगा, देन। तो यहाँ तो ऑप्शन ही सिंपल इतने कर दिए, सिर्फ एक ही ऑप्शन में देन है, तो आप अंधा भी उसको लगा सकते थे, क्योंकि सेट टू है तो वो पास्ट की बात है, तो पास्ट का नाउ तो नाउ नहीं रह सकता, देन ही हो जाएगा, तो सिंपल सा ऑप्शन बन रहा था एक। फिर है क्लोज टेस्ट, डेमोक्रेसी शुड डैश डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। डेमोक्रेसी क्या है, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल को करे कुछ, तो ऑप्शन में दिख भी रहा है, इंश्योर करे, ठीक है। इट शुड ऑल्सो एम एट द डैश गुड ऑफ द ग्रेटेस्ट डैश,
द अपोजिशन पार्टी शुड डैश द रॉन्ग प्लान्स पॉलिसीज एंड डिसीजंस ऑफ द गवर्नमेंट इन पावर. द गवर्नमेंट शुड ऑल्सो शुड केटर टू द डैश नीड्स ऑफ द पीपल टू मेक इट्स पोजिशन सॉलिड. डेमोक्रेसी से रिलेटेड एक पैसेज है छोटा सा. तो डेमोक्रेसी क्या करे? इंडिविजुअलिटी ऑफ इंडिविजुअल को न सिर्फ सपोर्ट करे बल्कि इंश्योर करे. क्या करे? इंश्योर करे, सुनिश्चित करे. कीप नहीं करना है खाली, सपोर्ट नहीं करना है, इंश्योर करना है. फिर है इट शुड ऑल्सो एम एट द डैश गुड. तो दा के साथ तो देखिए वैसे भी सुपरलेटिव ही आना है. क्या होना चाहिए? लार्जेस्ट गुड नहीं, ग्रेटेस्ट गुड. ग्रेटेस्ट गुड सबसे महान अच्छाई करनी चाहिए, एम होना चाहिए डेमोक्रेसी का. ग्रेटेस्ट गुड ऑफ द ग्रेटेस्ट पीपल नहीं, ग्रेटेस्ट पीपल नहीं, ग्रेटेस्ट डिजिट नहीं, ग्रेटेस्ट इंडिविजुअल नहीं, ग्रेटेस्ट नंबर. सबसे ज़्यादा अच्छा ग्रेटेस्ट गुड करे और ग्रेटेस्ट नंबर का करे, ग्रेटेस्ट संख्या का करे. फिर क्या है? द अपोजिशन पार्टी शुड डैश द रॉन्ग प्लान्स पॉलिसीज एंड डिसीजंस ऑफ द गवर्नमेंट इन पावर. अपोजिशन पार्टी को सरकार की गलत नीतियों, प्लान्स और डिसीजंस का क्या करना चाहिए? विरोध करना चाहिए ना. तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? अपोज. अब पूछते हैं कुछ लोग, जैसे मेरी एक बार ऑफलाइन क्लास में भी किसी ने कह दिया था सर अगेंस्ट क्यों नहीं होगा. तो देखिए अगेंस्ट एक प्रीपोजिशन है और अपोज क्या है? एक वर्ब है. तो जब वहाँ देखिए सेंटेंस क्या आ गया, शुड. तो आप ये देखिए कि द शुड केटर टू द सॉरी यहाँ पर द अपोजिशन पार्टी शुड, शुड के बाद वर्ब आती है. शुड के बाद क्या आती है? ही शुड डू, यू शुड राइट, ही शुड प्लान, ही शी शुड थिंक, शी शुड सेलेक्ट, दे शुड प्ले. तो शुड के साथ मतलब क्या आता है? वर्ब आता है. इस वजह से अगेंस्ट नहीं आ सकता, कहीं भी अपोज ही आएगा. फिर है द गवर्नमेंट शुड केटर टू द डैश नीड्स ऑफ द पीपल टू मेक पोजिशन सॉलिड. गवर्नमेंट को लोगों की नीड्स को क्या करना चाहिए, मतलब शुड केटर, केटर करना चाहिए, यानी कि उनको ध्यान देना चाहिए नीड्स को, अपनी पोजीशन को सॉलिड करने के लिए. तो कैसी नीड्स? मियर नीड्स, लग्जरियस नीड्स, इमोशनल नीड्स? नहीं, जेन्युइन नीड्स. इमोशनल नीड्स से इतना ज़रूरी नहीं है, मटेरियल नीड्स भी होती हैं, स्पिरिचुअल नीड्स भी होती हैं, सोशल नीड्स भी होती हैं लोगों की. तो जो जेन्युइन नीड्स हैं, जो सरकार को करनी चाहिए, जो सरकार कर सकती है उनको, तो इस तरह से जेन्युइन इसका आंसर हो जाएगा. तो ये एक पेपर मैंने सॉल्व किया, थोड़ी तबीयत ख़राब भी थी तो एनर्जी पूरी तरह से लगाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था. बट आई थिंक आप वो सब चीज़ों को सर एनर्जी लाओ वाला कमेंट ना करेंगे, नहीं करेंगे, और मेरी परेशानी को समझेंगे. तबीयत ख़राब है थोड़ी सी. फिर यही है कि थोड़ा सा अगेन ये पी क्यू आर एस में थोड़ा सा बार बार लोग कन्फ्यूज़ होते हैं, तो ये थोड़ा सा टफ पी क्यू आर एस था. ज़रा आप इसको पॉज करके देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा, क्लू लेने की कोशिश करिएगा. थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है शुरू शुरू में, लेकिन आप जितना तेज़ी से जितना पढ़ते जाएंगे, सॉल्व करते जाएंगे, उतना ज़्यादा आपका दिमाग जो है क्लू पकड़ने में जो है तेज़ हो जाएगा. तो पी क्यू आर एस मुझे लगा था, मुझे पर्सनली भी लगा था ये थोड़ा सा टिपिकल पी क्यू आर एस थे. तो अगर आपको भी टिपिकल लगे तो उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, लेकिन आगे के और शिफ्ट्स में कंपैरेटिवली आसान पी क्यू आर एस थे. बाकी पेपर जो है एज मतलब कोई बहुत नॉर्मली पेपर था, जो और शिफ्टों का पेपर है उसी लेवल का. तो आई होप आपको ये वीडियो से फ़ायदा होगा, आप इससे बहुत कुछ सीखेंगे और अपनी तैयारी आपकी अच्छी होगी, इससे इम्प्रूव करेंगे अपने परफॉर्मेंस को, और जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो भी अच्छा करेंगे. मुझे खुशी होगी अगर आप अच्छा परफॉर्म करेंगे. तो ऑन दिस वेरी नोट, गुड बाय, टेक केयर.